गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खुशबू डॉट संतोष। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मेरे बाबू का बर्थडे है और बाबू को नहीं पता है कि मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही हूँ गाइज। और ये सब चीज़ मैं बहुत ही, एक भैया को बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करके मैं ये सारा कुछ मंगाई हूँ। और अभी जल्दी जल्दी मैं ये सब सारा डेकोरेट कर रही हूँ। अभी शाम के 5:30 बज गए हैं और बाबू आएंगे 6:30 बजे तक में। तो मैं तब तक सोच रही थी कि सारा चीज़ रूम वूम को सजा लेती हूँ। तो देखिए, मैं थोड़ा बहुत सजाई हूँ और बाबू के लिए मैं केक लाई हूँ। और जो भैया केक ला दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारा इतना हेल्प किए। और मेरा रात से ही मन था कि मैं बाबू को सरप्राइज कुछ गिफ्ट दूँ। तो ये हमारा तैयारी। और देखिए, इधर बाबू खेल रही है बैलून से। बाबू देखिए बैलून से खेल रही है। और मैं केक यहाँ पे, मतलब देखिए, मैं केक आपको दिखा रही हूँ। ये केक है, ये केक ला के रखा हुआ है। और ये देखिए, छुरी वगैरह सब सारा कुछ मैं लाई हूँ। और देखिए, मैं ये वाला भी मंगा ली हूँ। इसको उसका बर्थडे मनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत की। और मेरा रूम का आप हालत देख सकते हो, मेरे रूम का क्या हालत है। बाबू का बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मैं पूरे परेशान हूँ। तो देखते हैं बाबू को कैसा लगता है। तो पहले मैं जल्दी जल्दी रूम को डेकोरेट कर लेती हूँ। देखिए, मैं बैलून सब थोड़ा और था तो मैं उसको फुला लेती हूँ। मुझे बैलून फुलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और किस किस को पसंद नहीं है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और एक बाबू को लेकर के ना ये सब चीज़ करना मुझे ना बहुत मुश्किल लग रहा है। बाबू भी रो रही है और वो आ जाएंगे तो मेरी बात लग जाएगी। मैं चाहती हूँ उसके आने से पहले ये सब चीज़ करें। तो गाइज, मैं मिलती हूँ, पहले डेकोरेट सारा कर ली तो उसके बाद। देखिए, वही भैया फोन पकड़े हुए हैं, वीडियो में आना नहीं चाहते हैं। बाबू को लिए हुए हैं और हम ये सब चीज़ देखिए अकेला कर रहे हैं। और आप लोग प्लीज़, आप लोग के वीडियो को ना थोड़ा सा इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ अपने बाबू के लिए। बहुत ही ज़्यादा गाइज मैं परेशान हुआ आज दिन से ही कि ये कैसे होगा नहीं होगा। कोशिश करती हूँ कि बाबू के आने से पहले हमारा सारा कुछ हो जाए, क्योंकि मैं देख सकती हूँ भूतनी की तरह लग रही हूँ। मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ। वो आ जाएंगे तो बोलेंगे ऐसे क्या हालत बना दिया, मैं सुबह से ही परेशान ही। उसको लग रहा था कि वो मुझे गाइस, देखिए हमारा डेकोरेट हो गया है। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई की हूँ अकेला ये सब चीज़ करने का। तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ और आप देख सकते हो पूरा कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा। अकेले मैं ये सब सारा कुछ की हूँ। देखिए, बाबू भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और क्या कहते हैं गाइस, काम इतना ज़्यादा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। देख सकते हो नीचे का हालात कितना कचरा भरा है। तो मैं जल्द उसको, तो कोई बात नहीं, उसको आने के बाद भी साफ कर लूँगी। आने के बाद पहले मैं ये सारा कुछ कर ली हूँ। और देखिए, वो आते हैं तब क्या सब होता है। गाइस देखिए, फाइनली ये आ गए हैं और इनको पता भी नहीं था कि मैं ये सब रूम में करके रखी हूँ। और कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको पता नहीं था, मतलब इतना कुछ अरेंज कर लिए अकेले। हमें तो कभी विश्वास नहीं था यार इन सब चीजों। इनको लग रहा था सुबह से आपको बर्थडे विश नहीं कर रहे थे। इनको बस स्टेटस लगाए, इनको हम मुंह से कभी नहीं बोले कि हैप्पी बर्थडे बाबू या कुछ भी नहीं बोले। और जो आया अभी बोले हैप्पी बर्थडे। और ये सब देख करके ये काफी ज्यादा खुश हो गए। और काफी अमेजिंग ये तैयारी की है, देखो कितनी सारी। मतलब मैं अगर अकेला करता इन सब चीजों को तो मुझे, मैं भी काफी, मतलब हेजिटेशन हो जाता मेरे को और काफी प्रॉब्लम होती। मैं बाबू को कैसे कैसे रख करके ये सब चीज परेशान हो जाते हैं हम भी। और देख रहे हो आप, अभी हम जस्ट आए ही हैं और अपना जैकेट हम उतार के रखे हैं। और आए तो देख, सबसे पहले हम अगर रूम इन किए, देखे इधर यार ये क्या हो रहा है। काफी सरप्राइज, मतलब मैंने लाइफ में पहली बार, मतलब मैंने बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में अक्सर लोग बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। और खुशी की वजह से पहली बार हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसा लग रहा था? तो बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। और गाइज, तो गाइज चलिए अब केक काटेंगे। तो उसके बाद आप लोग, फिलहाल आप देख सकते हो हमारी हालत कितनी गंभीर है। बाबू को लेकर के मैं इतना सारा, और इतना गुस्सा में अरेंज किस तरह से कर ले तुम? किए ना, मैं बता दी हूँ वीडियोज में। तो गाइज अभी मैं थोड़ा तैयार हो जाती हूँ मैं भी। उसके बाद मेरे लिए काफी सरप्राइज की है। और देख सकते हो आप लोग, मतलब इतना कुछ अरेंज करना, मतलब मार्केट कैसे गई, बाबू को कैसे लाई, मुझे तो कोई नहीं गए थे, बोले हैं हम ये एक लड़का है भैया, वो नहीं नीचे में है। अच्छा, उससे मतलब नीचे में एक भैया रहते हैं, मतलब भैया आपको नहीं बोला, उसको कसम वसम दिए थे कि कब आप नहीं बोले। हम लोग 2 दिन से प्लानिंग बना रहे थे और अभी हम जस्ट आए हैं। और देखो इधर, ये देखो, पता नहीं हमको मत दिखाओ, ये देखो केक, ये देखो केक। तो गाइस लगता है, मेरे हिसाब से केक कर को देख के लगता है
कि मेरे हिसाब से ये लगभग लगभग मतलब 5 से 6 बजे के आसपास केक आया होगा, क्योंकि जो केक के केक को देख करके मतलब फ्रिज से जैसे केक बाहर निकलता है उस हिसाब से वो लग रहा है। और इधर देखो तो गाइस देखो खुशी की मतलब काफ़ी अच्छी है, तो उतनी एडवांटेज नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग 2 आदमी हैं और खुशी अकेला ये सब सेलिब्रेट कर मतलब की है मेरे बिना मेरे के, तो यार सच में वेल डन, थैंक यू। तो गाइस जितने भी हमारे दोस्त और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स जितने भी हमारे फैमिली हमको विश किए हैं, आप सबका मैं सदा आभारी रहूँगा। और अगर कभी गलती हो जाती है मेरे से कोई भी गलती या हो गई होगी तो प्लीज़ आप अपना भाई मान करके माफ़ कर दीजिएगा। तैयार हो रही है, आज तो बहुत स्मार्ट लग रही हो यार सच्ची बता रहे हैं, देखो गाइस कितनी स्मार्ट लग रही है ना, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, सच्ची में बहुत खूबसूरत लग रही हो। हम लोग लगभग तैयार हो चुके हैं अब, और इधर देखो सारा सारा कुछ लगभग अब रेडी है। मेरे कोई भी दोस्त नहीं आया अभी तक, लगभग रात के 10 बज गए हैं ना, बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, एक दोस्त को बोले तो वो बोली हम आएंगे ही नहीं, तो आप लोग एंजॉय करो इसको तब तक। जैसा कि हम लोग देखें कि हम लोग किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किए, क्योंकि यार यहाँ पे मेरे काफी सारे दोस्त नहीं आए और लगभग अभी रात के 10 बज रहे हैं, क्योंकि बाबू बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। और ये सारा चीज जो आपको दिख रहा है ये खुशी का सारा डेकोरेशन है, और खुशी ही मतलब सेलिब्रेशन की है, और ये तो मेरा मतलब जिंदगी का पहला बर्थडे है, और जिसपे खुशी मुझे मतलब सरप्राइज की है ये चीज। कैसा लगा तुम्हें? आपको क्या लगा? तो काफी फील हो रहा है। और ये देखो मेरे बिस्कुट को इसके गालों में मैं लगा देता हूँ थोड़ा सा, ओले।
तुमको भी लगा देते हैं। नहीं हमको मत लगाइए ना, हमको नहीं अच्छा लगता, मत लगाइए। तो गाइस कैसा लगा ये छोटा सा आप लोगों का सेलिब्रेशन, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग से मिलने आए हैं आपसे, ये लोग को पता था कि आज हम लोग का बर्थडे है तो ये लोग आए हुए हैं। तो क्या लगा भैया हम लोग के साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और तो गाइस पता है आपको, जब से हम लोगों ने चैनल स्टार्ट किया था तब से ये लोग, मतलब जब हम, मेरा 2-3 सब्सक्राइबर था तब से ही हमारे चैनल पर ये लोग थे। और ये लोग जहाँ हम लोग जिस प्लेस पे हम लोग रेसिडेंस, मतलब जिस प्लेस पे हम लोग रहते हैं ना, वहाँ से कुछ दूरी पर ही इनका घर है। ये लोग बस एक कॉल किए और ये लोग हमारे पास आ गए। थैंक यू आपको हमारे यहाँ आने के लिए। अभी ये लोग जो है अभी केक खा रहे हैं और हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम लोग भी बहुत हैप्पी हैं कि ये लोग आज हम लोग के साथ हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा और फिलहाल उनसे बात कर लीजिए। देखिए तो गाइस ये खुशी का छोटा सा, मतलब बाबू को देखिए, बाबू बहुत ज्यादा बहुत परेशान कर रही है, इसकी वजह से ही लगभग लगभग 3 घंटे लेट हो गया ना। हाँ 3 घंटे लेट अभी हो गया। रात के जानते फ्रेंड्स, रात के 10 बज रहे हैं और इतना लेट केक कटा भी नहीं जाता है, बट बाबू की वजह से लेट हो गया। और देखिए इधर भैया लोग को केक खा रहे हैं, अरे उनको इतनी दिन बैठिए ना, बहुत ज्यादा शर्मा रहे। एक्चुअली ये लोग ना बहुत ज्यादा शर्मा रहे, यूट्यूब देखते बट बहुत ज्यादा ही शर्मा रहे हैं, क्या है ना। तो गाइस कैसा लगा आपको ये छोटा सा सेलिब्रेशन? देखिए और बाबू को देखिए कितनी बदमाशी कर रही है।